गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कर रहे थे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जिसमें हमने मैग्नेटिक डिस्क कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क कहता है रैंडम असेस है, रिमूवेबल डिस्क है, ऑन विच डाटा इज रिटन रीड थ्रू द यूज़ ऑफ लेज़र बीम। तो कहता है ये क्या है, जो इसमें डाटा है वो राइट किया जाता है, कहता है रीड करना है, कहता है यूज़ ऑफ लेज़र बीम के हम रीड करते हैं। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है एक रोटेटिंग डिस्क होती है, जो क्या है, कहता है रिफ्लेक्टिव मटीरियल उसके ऊपर कोट किया जाता है। तो कहता है डाटा रिकॉर्ड होते हैं जो डिस्क के ऊपर, वो क्या है, कहता है जो लेज़र बीम है उसकी वो फोकस में आती है, तब कहता है वो सरफेस जो है हमारा जो डिस्क है वो क्या है स्पिन करती है, ठीक है। तो कहता है उस पर डाटा क्या है स्टोर होता है, कहता है थ्रू एज ए माइक्रोस्कोपिक लाइट के थ्रू। तो कहता है जो हमारी सरफेस होता है डिस्क का वो क्या है डार्क हो जाता है, यहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो कहता है उस डार्क स्पॉट को हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। तो कहता है लाइटर नॉन सिप्लिटर सरफेस एरिया ऑफ डिस्क इज कॉल्ड लैंड, कहते हैं जहाँ पे सिर्फ लाइटनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड्स कहते हैं। तो कहते हैं जो भी प्रोसेस ऑफ डाटा रिकॉर्ड किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर उसको हम कहते हैं बर्निंग, हम कहते हैं सीडी बर्न हो गई। तो मीन्स उसके ऊपर जो डाटा है वो क्या है, रिकॉर्ड हो गया। इसकी टू टाइप्स है ऑप्टिकल लेज़र डिस्क की, सीडी रोम एंड डीवीडी रोम। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कहता है इट इज़ रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कैपेसिटी ऑफ अप टू 682 MB ऑफ डाटा। इसकी कितनी कैपेसिटी है, 682 MB कैपेसिटी है, कहता हम रीड कर सकते हैं जो भी डाटा इसके ऊपर स्टोर है। तो कहता असेस कर सकते हैं डाटा को फ्रॉम सीडी रोम से, कहता ये क्या है फास्टर देन कहता फ्लॉपी डिस्क है, बट हार्ड डिस्क से फिर भी स्लो ही है। उसके बाद कहता टू रीड सीडी रोम, कहता हमें क्या है सीडी रोम ड्राइवर भी चाहिए अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जहाँ पे हमने इसको क्या आता इंसर्ट करते हैं। तो कहता है इसके लिए क्या है, कहता है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इंफ्रारेड लेज़र्स यूज़ की गई हैं। इसकी आगे टू टाइप्स है, सीडी राइट एंड सीडी री राइटेबल, ठीक है। एक क्या है रिकॉर्ड करते हैं हम डाटा, एक दूसरी कौन सी सीडी आती है री राइटेबल, जो डाटा पहले स्टोर है वो क्या है उसके ऊपर हमने क्या है नया डाटा लिख देना, तो वो जो पीछे वाला डाटा है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा और नया डाटा उस पर शो होगा। उसके बाद है हमारे पास डीवीडी। डीवीडी कहता क्या है, हमारे पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। तो कहता है ये भी ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, बट इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4.7 GB कैपेसिटी होती है। तो कहता है जो डीवीडी है वो सिंगल और डबल साइड बोथ हो सकती है, कहता कैन हैव टू लेयर ऑन ईच साइड। तो कहता है डबल साइडेड में टू लेयर डीवीडी, कहता 17 GB तक डाटा कहता है इस पर, कहता वीडियो ऑडियो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। कहता है इसमें रेड लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये भी कहता टू टाइप्स की है, डीवीडी राइट रिकॉर्डेबल है, ठीक है, और डीवीडी RW री राइटेबल, ठीक है। एक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरा हम क्या है उसके ऊपर री राइटेबल भी कर सकते हैं, दोबारा से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है, स्मॉल कहता हैंड हार्ड डिवाइसेस है, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स हैं जो क्या है हम क्या है इजीली होल्ड कर सकते हैं। तो कहता लाइक हमारी पेन ड्राइव्स है, ये क्या है हमारी कहता मेन हमारी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। तो कहता है इस पर हम क्या है कोई भी डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं, म्यूज़िक स्टोर कर सकते हैं, मूवी स्टोर कर सकते हैं। तो कहता है ये डिफरेंट साइजेज़ में अवेलेबल है, 256 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB तक हमारे पास क्या है अवेलेबल है। ये कहता यूज़फुल अल्टरनेटिव, कहता है इसको हम क्या है बैकअपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड है वो भी हमारा क्या है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो कहता हम क्या है डिफरेंट हमारे पास क्या है पोर्टेबल डिवाइसेज है, जिसमें हम क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस। तो कहता कुछ डिफरेंस के कुछ करैक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू CPU। तो कहता जो प्राइमरी मेमोरी है उसको कहता है CPU ईजिली असेस करता है इनसाइड एंड आउटसाइड जहाँ पे भी है। तो कहता वहाँ से कहता है ईजिली असेस करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। कहता जो सेकेंडरी मेमोरी है वो टोटली आउटसाइड है। कहता है ये क्या है इनडायरेक्टली हम असेस करते हैं, CPU इसको असेस करता है। अगर उसने सेकेंडरी मेमोरी को असेस करना है तो वो कहता जो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा है वो सारा पहले कहाँ पे स्टोर होगा प्राइमरी मेमोरी में, देन ही CPU उसको असेस करता है। कॉस्ट कहता प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट कहता ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो कहता जो सेकेंडरी मेमोरी के है उसकी कॉस्ट कहता प्राइमरी मेमोरी से कम होगी। कैपेसिटी कहता जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी कैपेसिटी क्या है कम होती है कहता सेकेंडरी मेमोरी से, जो सेकेंडरी मेमोरी है सेवरल थाउजेंड टाइम कहता हायर है कहता प्राइमरी मेमोरी से। एवरेज एसेस टाइम कहता इसमें कितना होता है बिलियंथ में होता है, ठीक है, बिलियंथ ऑफ कहता है इंस्ट्रक्शंस कहता एक ये सॉल्व कर देता है एक सेकंड में, ठीक है, इतनी फास्टली करता है। उसमें क्या है मिलियंथ होता है, इसमें बिलियन था, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी स्टोरेज कहता है प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट एसेस करता है, ठीक है, येस है, बट सेकेंडरी मेमोरी से नो, डाटा मस्ट बी मूव्ड इनटू प्राइमरी मेमोरी। पहले कहाँ पर आएगा प्राइमरी मेमोरी से आएगा, देन कंप्यूटर उसको सीपीयू असेस करता है। मीन्स ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन कहता है इसमें क्या है प्राइमरी मेमोरी में सेमी कंडक्टर चिप्स होती हैं जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क होती है, टैब्स होती हैं एंड ऑप्टिकल हमारे पास डिस्क होती हैं। एनीवन हैज़ डाउट?